आज के हम अपने नए वीडियो में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है इश्यू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश। जैसा कि इसके पहले के वीडियोस में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब हम डिबेंचर इश्यू करते हैं तो हमें सिर्फ एक चीज चाहिए होती है, वो होता है कैश। यानी हम डिबेंचर, शेयर्स या बॉन्ड, ये सारी चीजें हम इश्यू कब करते हैं? जब हमें कैश की जरूरत होती है। बट एक एक्स्ट्रा कंडीशन अप्लाई होता है, एक एक्स्ट्रा कंडीशन बोले या बोले एक नया ये होता है कि हमें कभी कभी हम कैश नहीं चाहिए होता है, फिर भी हम डिबेंचर्स को इश्यू करते हैं। कैश नहीं चाहिए होता है मतलब कि या तो हमने किसी से कोई सामान लिया होगा, राइट, या हम किसी का बिजनेस खरीद ले रहे होंगे। कहने का मतलब क्या, एक कोई ना कुछ तो ले रहे होंगे तभी उसके बदले में डिबेंचर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद ये रखना है कि अगर आप कैश नहीं ले रहे हो तो उसका मतलब उसके बदले में आपने कोई सामान लिया होगा या आपने कुछ ना कुछ तो लिया ही होगा। तो कुछ ना कुछ में यहाँ दो चीजें हमें बताई जाती है, एक तो होता है कि हमने कोई एसेट परचेस किया हो, एक तो ये होता है हमने किसी का बिजनेस जो है वो एक्वायर कर लिया या बिजनेस परचेस कर लिया हो। यानी हमें दो चीजें सिखाई जाती है कि या तो हमने किसी का बिजनेस परचेस किया हो या तो हमने मशीन परचेस किया हो, ठीक है। तो मैं दोनों कंडीशंस को लेकर समझाता हूं आपको। सबसे पहले हम समझते हैं कि जब हमने मशीन परचेस किया होगा तो हम एंट्रीज कैसे करते हैं। तो इस चीज को भी मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं कि मशीन परचेस किया होगा हमने तो हम दो चीज में पेमेंट कर रहे हैं, एक तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स को माइंड में रख के और एक अमाउंट को माइंड में रख के, ठीक है। तो आपको समझने में थोड़ा आसानी होगा तो मैं एक एक करके समझाता हूं यहाँ पे, ठीक है। ध्यान देना कि मैंने क्या कहा कि हम दो तरह से पेमेंट्स लिखेंगे, क्या, एक नंबर ऑफ डिबेंचर्स को माइंड में रख के, एक टोटल अमाउंट को माइंड में रख के। तो पहले मैं आपको टोटल अमाउंट को माइंड में रख के सिखाता हूं, फिर ये सिखाता हूं कि अगर हमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स फाइंड आउट करना हो तब कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखो, अगर हमने मशीन परचेस किया है तो मशीन परचेस किया तो उसकी एंट्री जो हम 11th में करते थे वही होगा। एंट्री क्या होगी, मशीन अकाउंट डेबिट, और जिसे परचेस किया होगा उसका नाम क्रेडिट करो, नाम नहीं है तो क्या लिखोगे, वेंडर अकाउंट क्रेडिट, राइट, समझ में आया। यही एंट्री करते हैं, मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट क्रेडिट। अब मैं एज्यूम कर लेता हूं कि ये मशीन मैंने परचेस की थी 100 रुपीज में, समझ में आया, इतने में परचेस किया था मैंने, 100 रुपीज में परचेस किया था। और अगर मैं इसका कैश में पेमेंट कर देता, नॉर्मली वो पैसे समझते, अगर मैं कैश में पेमेंट कर देता तो एंट्री क्या करते हैं यहां पे, वेंडर टू कैश, ये करते वेंडर टू कैश और यहां पे लिख देते 100 100। पर हमें सीखना क्या है कि हम कैश नहीं दे रहे हैं उसके बदले में हम क्या कर रहे हैं, हमारी कंपनी का डिवेंचर इश्यू कर रहे हैं, समझ में, हम क्या कर रहे हैं, हमारे कंपनी का डिवेंचर इश्यू कर रहे हैं। अगर हम अपने कंपनी का डिवेंचर इश्यू करें मतलब ये कैश वाला पॉइंट तो आएगा ही नहीं, यानी उसके बदले में यहां पे क्या लिखोगे, टू डिवेंचर, क्या लिखोगे, टू डिवेंचर अकाउंट, ठीक है, यानी डिवेंचर अकाउंट लिखेंगे हम लोग, क्लियर हुआ। इसका मतलब हम यहाँ पे 100 रुपीज के डिवेंचर इश्यू कर रहे हैं, ओके। तो अभी मैं इस चीज को लेके एग्जांपल समझाता हूँ और एक बात और समझो कि हम डिवेंचर इश्यू करते हैं तो हम तीन तरह से इश्यू करते हैं, हमने यही सीखा है, एक होता है पार, एक होता है प्रीमियम और तीसरा क्या है हमारा, डिस्काउंट। हमने यही सीखा है कि हम डिवेंचर तीन तरह से इश्यू करते हैं, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। शेयर्स में हम दो ही चीजें इश्यू करते हैं, मतलब दो ही तरह से इश्यू करते हैं, वो होता है पार और प्रीमियम, डिस्काउंट वाला शेयर्स में से हटा दिया गया है। लेकिन डिबेंचर्स में अभी भी ये फैसिलिटी है कि हम तीन तरह से इश्यू कर सकते हैं, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। अभी इसी चीज को माइंड में रखकर मैं तीनों एग्जाम्पल समझाता हूँ। देखो यहां पे हमें देना कितना है, 100 रुपीज देना है, राइट। ये जो मैंने समझाया ना ये आपको क्या था, एक पार था, तो ये एग्जाम्पल आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो। अच्छा देखो यहाँ पे ये तो पार वाला था, पार वाला कैसे होगा, कुछ नहीं करना है, जैसे जो एंट्री यहाँ पे थी अब उसका अपोजिट यहाँ मिलेगा, वेंडर टू डिबेंचर, यानी जो अमाउंट था उतना ही अमाउंट हमें डिबेंचर देके उसको खत्म कर दिया। अब समझते हैं बात, प्रीमियम और डिस्काउंट वाला, ठीक है। अभी हमें उसे पे कितना करना है, 100 रुपीज पे करना है, और मान लो कि मैंने 80 रुपीज ही पे किया है, कितना रुपीज पे किया है, 80 रुपीज। इसका मतलब मेरा 80 जो उसके 100 के बराबर है, मेरा अगर 80 उसके 100 के बराबर है, मतलब क्या, जो 20 रुपए है वो हमारे लिए क्या हो गया, प्रीमियम हो गया, मतलब हमने 80 का सामान उसे 100 का सामान समझ के उसको दिया हुआ है, समझ में आया। तब कैसे एंट्री करोगे, तो यहां पे सबसे पहले क्या लिखोगे, वेंडर अकाउंट डेबिट, यही करोगे, टू डिबेंचर, डिबेंचर अकाउंट कितना लिखोगे, 80 लिखोगे, राइट, और वेंडर में कितना, 100 है, तो डिफरेंस इस साइड आया, क्रेडिट साइड आ रहा है ना, तो यहां पर क्या लिखोगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट, कितना, 20 रुपीज, समझ में आया, क्लियर हुआ। एक चीज याद रखना,
अगर हमें अमाउंट ज्यादा देना हो और हमने कम अमाउंट के डिबेंचर इशू किए हो, मैं अमाउंट की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ डिबेंचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर हमने कम अमाउंट का डिबेंचर इशू किया है, इसका मतलब ये हुआ कि वो डिबेंचर हमने कैसे दिया हुआ है, प्रीमियम से दिया हुआ है। बात समझ में आया? अब वही अगर मैं दूसरा कंडीशन लेके समझाऊं, यानी कि डिस्काउंट वाला, तो अगर मान लो कि यही अगर मैंने 120 रुपए के डिबेंचर्स दिए होते, कितने के दिए होते, 120 रुपए के, मुझे देना कितना था, उसे 100 रुपए देना था और मैंने डिबेंचर कितने का दिया है, 120 रुपए का दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने दिया ज्यादा है लेकिन उसके अगेंस्ट में भी देना कम था, मतलब ये हुआ कि हमने 20 रुपए से माफ कर दिया, या यूं कहें कि हमने 20 रुपए का उसको डिस्काउंट दिया है। बात समझ में आया कि नहीं? हमें किसी को देना था 100, हमने उसको दिया 120 का सामान या 120 का डिबेंचर दिया है, मतलब जो 20 का डिफरेंस है वो हमारे लिए तो लॉस हुआ ना, यानी हमारे लिए वो एक तरह से क्या है, डिस्काउंट है। क्लियर हुआ इतना? समझ में आया? तो अगर हमने डिस्काउंट में इश्यू किया हुआ है तो सबसे पहले देखो एंट्री क्या लिखोगे, वेंडर अकाउंट डेबिट। यहाँ पे वेंडर में कितना लिखोगे, 100 ही लिखोगे, क्योंकि देना कितना था आपको, 100 ही देना था, और आपने डिबेंचर कितने का इश्यू किया हुआ है, 120 का, तो डिबेंचर में कितना जाएगा, 120। हम जितने का डिबेंचर इश्यू करते हैं वही हम डिबेंचर अकाउंट में लिखते हैं, ठीक है, ये याद रखना, हम जितने का डिबेंचर इश्यू करते हैं डिबेंचर के कॉलम में वही अमाउंट लिखनी होती है। अब देखो हमने यहाँ लिखा 120 और यहाँ लिखा है 100, इसका मतलब जो 20 का डिफरेंस है वो डेबिट साइड आ रहा है, ऐसे भी समझ सकते हो कि वो क्या हो गया, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर कितना हो गया, ये 20 रुपीज। समझ में आया? क्लियर हुआ इतना? तो ये था आपका अमाउंट को लेके। इसमें दो ही चीज याद रखनी है, अगर कम अमाउंट दे रहे हो इसका मतलब वहां की बात प्रीमियम की आ जाती है, ज्यादा अमाउंट आप डिबेंचर इश्यू करो इसका मतलब वहां पे बात डिस्काउंट की आ जाएगी। क्लियर हुआ? तो ये एग्जांपल मैंने ऐसे रैंडमली लेके समझाया था, मैं आपको एक्सरसाइज का या एक एग्जांपल है मैं वो समझा देता हूँ आपको, मैं वो क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, आप देख लो स्क्रीन पे, उसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके आप पढ़ सकते हो, फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। तो ये आपका क्वेश्चन, आप एक बार क्वेश्चन देख लो, आपका क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, ये क्वेश्चन मैंने गुजरात बोर्ड की बुक में से लिया हुआ है। क्वेश्चन का नाम क्या है, मानसी लिमिटेड परचेस मशीन वर्थ ₹6 लाख। आप क्वेश्चन एक बार देख लो, ठीक है, मैं पढ़ के आपको वापस एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके जैसे आपको सही लगे वैसा आप एक बार कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, मानसी लिमिटेड परचेस मशीनरी वर्थ ₹6 लाख फ्रॉम सुमन मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड ऑन 1/12/2017। मशीन कितने का परचेस किया हुआ है, 6 लाख का परचेस किया हुआ है। अगर हमने मशीन परचेस किया हुआ है तो उसकी एंट्री क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखो उसकी एंट्री क्या लिखोगे, मशीन अकाउंट डेबिट। हमने परचेस किससे किया हुआ है, यहाँ पे क्लियर नाम लिखा हुआ है सुमन मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, अगर नाम नहीं लिखा होता तो आप डायरेक्टली क्या लिख देते, वेंडर लिख देते, पर यहाँ पे नाम लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, टू सुमन मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, लेकिन मैं सिर्फ सुमन लिख देता हूँ, सुमन अकाउंट क्रेडिट। हमने मशीन कितने का परचेस किया हुआ है, 6 लाख का मशीन परचेस किया हुआ है, राइट। तो फर्स्ट एंट्री तो ये हो गई, उसके बाद आगे फिर लिखा हुआ है ₹2 लाख वेर पेड इमीडिएटली एंड द बैलेंस वाज पेड बाय इश्यू ऑफ 3,70,000 11% डिबेंचर इन मानसी लिमिटेड। क्या बोला है, 2 लाख हमने तुरंत ही पे कर दिया था, तो पहले जो तुरंत ही पे कर दिया मैं उसकी एंट्री समझाता हूँ। अगर हमने तुरंत ही अमाउंट पे कर दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सुमन अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना पे कर दिया है हमने, 2 लाख रुपए तुरंत ही पे कर दिया है। समझ में आया? अभी बचा कितना है यहाँ पे, 4 लाख रुपए बचा, देखो 6 पे कर रहा था उसमें से 2 पे कर दिया, तो बचा कितना है, 4 लाख रुपए बचा है। क्लियर हुआ इतना? फिर आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि जो बैलेंस का पेमेंट था वो हमने कैसे पे किया हुआ है, 3,70,000 का डिबेंचर इशू किया, कितने का डिबेंचर इशू किया हुआ है, 3,70,000 का। तो देखो हमें पेमेंट कितना करना था, यहाँ पे 4 लाख का पेमेंट करना था, यानी सुमन के कॉलम में, यानी सुमन का जो नाम लिखेंगे तो सुमन अकाउंट डेबिट में कितना लिखोगे आप लोग, 4 लाख रुपए लिखोगे, और हमने डिबेंचर कितने का इश्यू किया हुआ है, वो डिबेंचर हमने इश्यू किया हुआ है 3,70,000, 3,70,000 2 11% डिबेंचर है, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो 11% डिबेंचर। ओके, कितने का डिबेंचर इश्यू किया, 3,70,000 का, पेमेंट कितना करना था, 4 लाख, इश्यू कितना किया, 370। मैंने अभी कुछ देर पहले समझाया कि अगर हम देना ज्यादा हो और कम अमाउंट का डिबेंचर इश्यू करते हैं,
इसका मतलब ये हुआ जो डिफरेंस का अमाउंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो रिजर्व आपका कितना हो जाएगा, 30,000 रुपीज हो जाएगा। समझ में आया? यानी कि जो 370,000 का डिबेंचर था हमने सामने वाले को 4 लाख का बोल के दिया है। बात समझ में आया, क्लियर हुआ? तो इस तरह से अमाउंट वालों में एंट्री करनी होती है। क्लियर हुआ इतना? बात समझ में आया? अब एक काम करते हैं, आगे देखते हैं। फिर आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ द बैलेंस विल बी पेड इश्यू बाई 4,20,000। एक और कंडीशन अप्लाई कर दिया है कि मान लो भाई कि ये 370 नहीं, हम उसको पे करते हैं 4,20,000। ठीक है, हम कितना पे करते हैं उसको, 4,20,000 का डिबेंचर अगर हम उसे देते हैं तब क्या चेंजेस होगा। तो देखो पे कितना करना था सुमन को, 4 लाख ही पे करना था। यानी जब यहां पे एंट्री करोगे तो सुमन अकाउंट डेबिट में कितना होगा, 4 लाख ही होगा, क्योंकि हमें पे तो कितना करना है, 4 लाख ही करना है ना, राइट। और हमने उसे डिबेंचर कितने का दिया हुआ है, 4,20,000 का दिया है, 4,20,000 का डिबेंचर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें पे करना था 4, हमने उसे डिबेंचर दिया है 4,20,000 का। जो 20,000 का डिफरेंस आ रहा है वो क्या होगा, हमारे लिए डिस्काउंट होगा, क्योंकि वो उससे हमने ये नहीं है, राइट। 4 के बदले में हमने 4,20,000 का सामान देके बोला ठीक है भाई हम सेटल कर लेते हैं। मतलब ये होगा कि 20,000 हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। तो उसकी एंट्री क्या लिखोगे यहाँ पे, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, राइट। और ये कितना आ जाएगा, 20,000। आया समझ में, क्लियर हुआ? ओके, तो देखो जो एक पार वाला होगा उसमें कंफ्यूजन नहीं होता, उसमें एक ही करना था सुमन टू डिबेंचर। लेकिन जो डिस्काउंट और प्रीमियम वाला होगा उसमें ही आपको समझना होगा कि अमाउंट कम दिया है या ज्यादा दिया है। तो ये चीजें याद रखना, अगर अमाउंट कम दिया होगा तो किस तरह से करना है, और अमाउंट अगर ज्यादा दिया होगा तो किस तरह से करना है। कम दिया है मतलब प्रीमियम है, अगर ज्यादा दिया है तो डिस्काउंट है। क्लियर हुआ इतना, समझ में आया? तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको समझाया था एज अमाउंट, अगर अमाउंट की बात आती है तब। और अब हम पढ़ते हैं कि अगर बात नंबर ऑफ डिवेंचर्स की हो तो, नंबर ऑफ डिवेंचर्स की हो तो कैलकुलेशन कैसे करना होता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं लिखाया आपको। पर बात नंबर ऑफ डिवेंचर्स की होगी तो वहां कैलकुलेशन करने पड़ जाएंगे, और आपको ये डिसाइड करना होगा कि हमें कितने डिवेंचर देने होंगे, यानी कितने नंबर ऑफ डिवेंचर देने होंगे, तब जाके अमाउंट सेटल होगा। ठीक है, तो उसका मैं एक एग्जांपल आपको पहले समझाता हूँ, फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे जाएंगे। ओके, तो ये आपको ध्यान देते रहो। तो यहाँ पे देखो एक रैंडमली मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, क्या लिखा है, मशीन परचेज ऑफ ₹5,00,000, कैश पेड 50,000, इश्यूड डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। यानी जो रिमेनिंग अमाउंट है उसके लिए हमने ₹100 का डिवेंचर है इश्यू किया हुआ है। तीन कंडीशन मैं आपको समझा रहा हूँ, पहला है एक पार, दूसरा है 10% डिस्काउंट, और तीसरा है 25% प्रीमियम। यानी कि मैं तीनों एग्जांपल को लेकर, तीन जो तरीके होते हैं हमारे, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, तीनों तरीकों को लेकर मैं आपको समझा रहा हूं। तो ध्यान देना, यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, मशीन परचेस किया है, तो उसकी एंट्री क्या लिखोगे यहाँ पे, मशीन अकाउंट डेबिट कितना लिखोगे, 5,00,000, राइट। टू, नाम किसी का है नहीं, नाम नहीं है तो क्या लिखोगे, टू वेंडर अकाउंट 5,00,000 है। उसके बाद नीचे सेकंड लिखा हुआ है कि कैश पेड 50,000, यानी हम लोगों ने क्या किया, कैश पे कर दिया है। तो यहां पे क्या लिखोगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना कैश पे कर दिया है हमने, 50,000। समझ में आया, क्लियर है? अब उसके बाद बात ये आती है कि बाकी का जो अमाउंट बचा, बाकी का बचा कितना, 5,00,000 था, उसमें से 50 पे कर दिया है, तो बचा कितना, 4,50,000। अब बाकी की अमाउंट के लिए हमने तीन कंडीशन रखी है कि भाई एक पार पे इशू करेंगे तब एंट्री क्या होगी, एक डिस्काउंट पे इशू करेंगे तब एंट्री क्या होगी, एक 25% प्रीमियम पे इशू करेंगे तब एंट्री क्या होगी। तो पहले तीन का मतलब समझ लो, एक पार का मतलब था 100 है तो हम 100 में इशू कर रहे हैं, 10% डिस्काउंट का मतलब ये हो गया कि हम ₹90 में इशू कर रहे हैं, 25% प्रीमियम का मतलब ये हो गया कि हम इसको 125 में इश्यू कर रहे हैं। समझ में आया, क्लियर है? देखो 190, 125, मैंने कुछ नहीं लिखा, बस ये जो वर्ड्स लिखा था उसको यहाँ पे मैंने कन्वर्ट करके लिख दिया है। अब समझ में आया? तो अब उसके बाद अब यहाँ पे एंट्रीज कैसे करते हैं, यहाँ पे अमाउंट तो लिखा नहीं है, तो मैंने क्या कहा था, जब अमाउंट ना लिखा हो तो सबसे पहले हमें काम क्या करना होगा, नंबर ऑफ डिवेंचर्स फाइंड आउट करने होंगे, राइट, कि कितने डिवेंचर्स हम इश्यू कर रहे हैं। तो पहला कंडीशन है 100 वाला, तो पहले उसको समझो, सिंपल है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। देखो क्वेश्चन में बोला एक डिबेंचर हम उसे दे रहे हैं, कितने का दे रहे हैं, ₹100 का दे रहे हैं, यानी एक डिबेंचर की वैल्यू है ₹100।
अगर मैं उसे एक डिबेंचर देता हूं मतलब 100 रुपीज का सेट हो गया हमारा, लेकिन हमें उसे सेट कितना करना है टोटल 4,50,000 रुपीज उसे दे रहे हैं टोटल, कितने दे रहे हैं 4,50,000। तो उसके लिए हमें कितने डिबेंचर्स इश्यू करने पड़ेंगे, कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मतलब ये हुआ कि जो हमारा डिबेंचर की अमाउंट है डिवाइडेड बाय हमें इश्यू वाला कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये क्या होगा डिवाइडिंग आ गया, समझ में आया। यानी शॉर्ट में अगर याद रखना हो तो क्या याद रखना है कि जितना अमाउंट पे करना है उसके डिवाइड में इश्यूड अमाउंट, कौन सी अमाउंट, इश्यूड अमाउंट, चाहे वो डिस्काउंट हो, प्रीमियम हो या पार हो, हमें डिवाइड में करना है इश्यूड अमाउंट। तो इश्यूड अमाउंट कितना है 100 है, तो डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा 4,500। इसका मतलब ये हुआ अगर हम उसे 4,500 डिबेंचर्स अगर हम उसे इश्यू करते हैं तब जाके हमारा ये 4,50,000 का अमाउंट होगा वो सेट हो जाएगा। तो एंट्री कैसे करोगे, यहाँ पे नंबर 3 क्या लिखोगे, यहाँ पे वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, राइट, टू डिबेंचर। यहाँ पे डिबेंचर्स कितने 4,500 है, तो क्या लिखोगे 4,500 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी ये हो गया 4,50,000, समझ में आया। और यहाँ पे भी डेबिट में आ गया 4,50,000, क्लियर हुआ, आया समझ में। तो अभी नेक्स्ट वाले कंडीशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वाला कंडीशन हमारा क्या है कि हमने 19 इश्यू किया हुआ, तो मैंने क्या कहा कुछ नहीं करो, ऊपर अमाउंट लिखो, अमाउंट यहाँ पे कितना है 450 है, तो 4,50,000 डिवाइडेड बाय मैंने क्या कहा कि जो इश्यूड अमाउंट कितना है 90 रुपीज है, तो 4,50,000 डिवाइडेड बाय 90 तो कितना आएगा, ये 5,000 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 5,000 डिबेंचर इश्यू करते हैं तब जाके उसे ये 4,50,000 रुपए का जो अमाउंट है वो सेट हो जाएगा, समझ में आया। यानी हमें कितने डिबेंचर इश्यू करने पड़ेंगे 5,000, क्लियर है। तो अब उसकी एंट्री क्या करोगे, वेंडर अकाउंट डेबिट राइट टू डिबेंचर, हमें उसे पे कितना करना है 4,50,000 पे करना है, और हमने डिबेंचर कितने इशू किए हैं 5,000 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी टोटल हमने डिबेंचर इशू किए हैं वो है 5,00,000 के, समझ में आया। देखो अभी डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे डेबिट साइड में, राइट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो डिस्काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर कितना है 5,000 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कितना है ये 50,000, आया समझ में। 100 यहाँ आ गया तो डेबिट साइड में क्या आ जाएगा 10 रुपीज आ जाएगा, तो हो गया हमारा 90 रुपीज, बात समझ में आया, क्लियर हुआ। तो अभी नेक्स्ट कंडीशन की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट कंडीशन हमारा क्या है कि 125 इशू कर रहे हैं, क्या है हमारा नेक्स्ट कंडीशन कि हम 125 इशू कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या होगा, मैंने क्या कहा कि जो अमाउंट हमारा देना है उसको ऊपर रखो, कितना अमाउंट पे करना है 4,50,000, और हमने कितने में डिबेंचर इशू किया है 125 में, तो ये डिवाइड करो कितना होगा 4,50,000 डिवाइड बाय 125, 4,50,000 डिवाइड बाय 125 तो ये आ जाएगा 3,600, तो यहां पे कितना है 3,600 डिबेंचर्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 3,600 डिबेंचर इश्यू करता हूं तो भी 4,50,000 का अमाउंट है वो सेट हो जाएगा हमारा। तो एंट्री कैसे करोगे, पहले वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, देखो वेंडर को देना कितना है 4,50,000 देना है, राइट, हमने डिबेंचर कितना इश्यू किया 3,600 का, तो 3,600 मल्टीप्लाई बाय 100, आपको ये बात पता है कि हम जो मेन अमाउंट होता है डिबेंचर है उसमें मेन अमाउंट ही लिखते हैं, यानी जो डिबेंचर होता है उसमें कितना लिखते हैं मेन अमाउंट लिखते हैं, मेन कितना है हमारा 100 है, तो ये कितना हो जाएगा 3,60,000, राइट। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखोगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, राइट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यहाँ पे क्या लिखोगे 3,600 मल्टीप्लाई बाय 25, क्योंकि एक्स्ट्रा प्राइस कितना 25 है, मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये कितना आ जाएगा 90,000 आ जाएगा, आया समझ में, क्लियर हुआ, ये चीज समझ में आए। तो याद रखना, आपको याद क्या रखना है इस चीज में, देखो हमने कुछ नहीं किया है, जो एंट्रीज है वो जो हमने पहले किया था वही एंट्री किया है, बस एक थोड़ा सा ये कैलकुलेशन दिख रहा है हमें। तो ये जो कैलकुलेशन दिख रहा है ना, इसके लिए आपको करना क्या है कि ऊपर इश्यूड अमाउंट, सॉरी ऊपर जो अमाउंट पे करना है वो डिवाइडेड बाय इश्यूड अमाउंट, अगर आपको याद ना रहे तो यहाँ पे मैं साइड में लिख दे रहा हूं, ऊपर क्या लिखोगे टोटल अमाउंट, क्या लिखोगे टोटल अमाउंट
डिवाइडेड बाय इश्यूड प्राइस, क्या लिखोगे? इश्यूड प्राइस। समझ में आया? देखो टोटल अमाउंट कितना है यहाँ पे 450 है और इश्यूड प्राइस कितना है 100। 450 डिवाइड बाय 100, 450 डिवाइड बाय 90, इश्यूड प्राइस 90 है, 450 डिवाइड बाय 125, इश्यूड प्राइस कितना 125। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो ये आज का मैं इतना ही समझाता हूँ। नेक्स्ट वीडियोस में आपको मैं हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उस वीडियो में मैं आपको जब हम बिजनेस एक्वायर करते हैं उस कंडीशन को लेके आपको समझाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये था आपका, हम जब मशीन परचेस करते हैं या एसेट परचेस करें तब उस टाइम पे एंट्री कैसे करनी होती है, उस चीज को मैं आपको दोनों तरीके समझाया कि जब हम डायरेक्टली अमाउंट पे करें तब और जब डिबेंचर्स नंबर ऑफ डिबेंचर्स को कैलकुलेट करके पे करें तब। क्लियर हुआ इतना? तो आप लोग मेरे वीडियोस देखते रहो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक और भी कर सकते हो, अच्छा रहेगा। ओके ठीक है, तो बाकी देखते रहना है।